आपके घरों के बाहर ऐसे मीटर्स लगाए जाएंगे कि आप बिजली चोरी भी नहीं कर सकते और आपके साथ मीटर रीडर ज्यादती भी नहीं कर सकता। इस सेंस में कि आपको परेशानी होती है कि मीटर रीडर महीने बाद आएगा, इस्तेमाल आपके 200 यूनिट हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो 201 लिख जाए और उसके बाद हमें 15,000 से 13,000 रुपया बिल आ जाए। जनाब अली, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये तजुर्बा कामयाब हो चुका है। अब आपके घरों के बाहर भी मीटर्स लगेंगे, 4G मीटर्स। इन मीटर्स को कहते हैं AMR, यानी कि ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। आपके मीटर की तमाम तफसीलात ऑटोमेटिक होंगी, ऑनलाइन होंगी। आपको जितनी बिजली चाहिए आप बिजली खरीदें, रिचार्ज करें, इस्तेमाल करें और उसके बाद जब मजीद बिजली चाहिए अब दोबारा खरीदें। अब आपको ये भी मसला नहीं होगा कि आपके 200 यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं और खुदा ना खासा कि 201 ना हो जाए, आपका बिल बढ़ना जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको जितने यूनिट चाहिए, रेगुलर यूनिट चाहिए, आपको हफ्ते बाद यूनिट चाहिए, आपको महीने के यूनिट चाहिए, आप उन यूनिट्स को रिचार्ज करें और बड़े ही आसान तरीके से उन यूनिट्स को इस्तेमाल करके अपने घर की बिजली को इस्तेमाल करें। पिंडी और इस्लामाबाद में ये तजुर्बा कामयाब हो गया। ये जापान के अंदर ये टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान में इसको लाया गया ताकि बिजली की चोरी से बचा जा सके। पाकिस्तान में बिजली चोरी अरूज पे है। बड़े बड़े लोग बिजली चोरी कर लेते हैं और बेचारा जो मिडिल क्लास आदमी है उसको सारा बिल देना पड़ता है। होता कुछ यूं है कि जिनके घरों में बेशुमार AC लगे हों, उनकी सेटिंग होती है कि आप वापडा वालों के साथ सेटिंग कर लें कि भाई महीने बाद आना, हमारे मीटर को पीछे कर देना ताकि जो हमारे यूनिट्स हैं वो कम काउंट हो सके और हमें बिल भी कम आ सके। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो 4G मीटर्स होंगे। आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस्तेमाल करना 200 यूनिट चाहते हैं और आपको दे 300 दिए जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर 100 यूनिट्स की ज़रूरत है आपको 100 यूनिट्स दिए जाएंगे। जब आपकी बिजली ख़त्म हो जाएगी आपको दोबारा वो बिजली रिचार्ज करवानी पड़ेगी। अब ये करते करते पूरे पंजाब में इस तरह के मीटर्स चाहेंगे और फिर पूरे पाकिस्तान में बिजली के ये मीटर्स आपके घरों के बाहर नस्ब कर दिए जाएंगे। विंडो की एक साइड में आपको मीटर्स नज़र आ रहे हैं, ये 4G मीटर्स हैं। अभी इस्लामाबाद और पिंडी में जो मीटर्स लगाए गए हैं ये 4G मीटर्स हैं। आने वाले दिनों में इन मीटर्स के अंदर सिम भी डलेगी, यानी कि एक मोबाइल सिस्टम होगा, ऑनलाइन सिस्टम होगा, जब चाहें अपने मीटर्स की रीडिंग देख सकें कि आप कितने मीटर्स की रीडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने रह चुके हैं। फिर आपको मजीद जरूरत होगी, आप वापडा वालों से राबता करेंगे और यूनिट्स को ऐड करवाएंगे और बिजली को इस्तेमाल करेंगे। अब आपको यह परेशानी नहीं होगी कि मीटर रीडर पता नहीं 30 को आता है, 31 को आता है, कब आएगा, कब आकर हमारी रीडिंग लेके जाएगा। हमें पता चलेगा कि हमारे यूनिट्स 200 से कम होंगे। आपका मीटर रीडर से शिकवा भी नहीं होगा कि आपने हमारे यूनिट्स ज्यादा लिख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ आपका ऑनलाइन सिस्टम होगा और महीने बाद आपको आपका बिल पहुंचा दिया जाएगा जो आप इस्तेमाल कर चुके होंगे कि भई आपने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, इसको पे कर दें, दोबारा से यूनिट्स को खरीद सकें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये तजुर्बा पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो पाएगा, या अगर ये तजुर्बा कर लिया जाता है तो क्या उसके बाद बिजली की चोरी से रुका जा सकेगा? मैं एक वीडियो देख रहा था न्यूज अलर्ट पे, वसीम हाशमी साहब ने की, उस बंदे ने सारी तरतीब बताई कि किस तरह ये मीटर्स काम करेंगे। बकौल उनके पाकिस्तान की आवाम जुगाड़ी है और हो सकता है कि जब ये मीटर्स लगे तो उसके बाद मकनातीस के जरिए मीटर्स को रोक दिया जाए, उन मीटर्स की रीडिंग को रोक दिया जाए ताकि वो यूनिट्स उसमें काउंट ना हो सकें और वो आपके खाते में ना सकें। बहरहाल अब इस्लामाबाद में पूरे शहर में लग चुके हैं, रावलपिंडी में भी आधे से ज़्यादा शहर में मीटर्स लग चुके हैं। आने वाले दिनों में पूरे पंजाब में ये मीटर्स फैल जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में ये मीटर्स नस्ब कर दिए जाएंगे। लेट्स सी ये टेक्नोलॉजी कैसी कामयाब होती है या नहीं, और ये सब करने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत किस हद तक बिजली को चोरी होने से बचा सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान है, हर गुजरते दिन जिस तरह सोशल मीडिया का ज़माना है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ रही हैं, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब तो मीटर्स भी टेक्नोलॉजी पर अपडेट कर दिए जाएंगे। 4G आपके मीटर्स होंगे जो उस पर सिम भी डलेगी और आप इजीली उन मीटर्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपकी बिजली चोरी भी नहीं होगी। हमसाए ने अपनी बिजली इस्तेमाल करनी है, आपने अपनी बिजली इस्तेमाल करनी है, आपको कितने यूनिट्स चाहिए आप उतने इस्तेमाल करें, दोबारा से खरीदें, इस्तेमाल करें और इसी तरह अपनी मीटर्स को इस्तेमाल करते रहें, अपने घर में बिजली का इस्तेमाल करते रहें। ये मीटर्स कमर्शियल भी होंगे, डोमेस्टिक भी होंगे, तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, उन सब पर इन मीटर्स को लगाया जाएगा ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की चोरी को बचाया जा सके और लोग अपना बिल मुकम्मल तौर पर अदा करें।